जोशी जी, राम जन्मभूमि पर कल जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वर्डिक्ट दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि देश में जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा। और हमारा ये मानना था कि ये जब राम जन्मभूमि 1528 पहले से निर्मोही अखाड़े की संपत्ति है तो उसी पर विचार होना चाहिए, ये हमारी भावना थी और न्यायालय ने इस विषय को स्वीकार किया है। आज सारे राजनीतिक दलों को जो मंदिर के पक्ष में विचार रखते हैं या विपक्ष में रखते हैं, उनको एक मंच पर आकर के मंदिर निर्माण की दिशा में और सांप्रदायिक सौहार्द को एक साथ बनाए रखने के लिए किसी को बिगाड़े बिना देश में शांति से मंदिर बनने तक किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग मंदिर के पक्ष में अपने बयान दे रहे हैं उनको रामलला विराजमान हिंदू महासभा के साथ में खड़े रह करके भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में सोचना चाहिए। जैसा कि अदालत ने कहा है कि अब तीन ही पक्ष सुने जाएंगे, कोई नया पक्ष इसमें ऐड नहीं होगा, इसे किस तरीके से देखते हैं आप, और ये तीन पक्ष कौन होंगे? देखिए, विवाद की मूल भावना को माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा 1950 से लड़ रही है, निर्मोही अखाड़ा 1885 से लड़ रहा है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंटायर हुआ है 1961-62 से। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पहला आरोप जो हिंदू महासभा पर लगाया था वो इस प्रकार से लगाया था, आपने मूर्तियाँ जो रखी है उसको निकाल दीजिए। तो हिंदू महासभा रामलला विराजमान के पक्षकार के रूप में इस विषय को लड़ रहा है। हम कहेंगे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये जिस प्रकार से अपनी बैठकें कर रहे हैं और 80% लोग इससे सहमत है कि मंदिर वहाँ बने, रामलला यहाँ पर जन्मे थे। कुछ मुसलमान विद्वान ये भी कहते हैं कि राम हमारे नबी थे, उसका क्रम भी दे रहे। और रामलला तो एक उदाहरण है कि जहाँ अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जहाँ तक गया था, उस रामलला को भी इन्होंने उस प्रकार से उस श्रेणी से जोड़ा गया है उस समय से। तो हम चाहेंगे देश के सारे विद्वान मुसलमान इस विषय में पहल जो कर रहे हैं, हमारी सहायता ही कर रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, केवल हिंदू ही जो रामलला का नाम लेते हैं वही विपक्ष में खड़े हैं, वही दुर्भाग्य की बात है। मंदिर बनाने की बात तो करते हैं लेकिन मंदिर बनाने के पक्षकार के साथ नहीं खड़े रहते, ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए। जिन लोगों को केवल नोट से मतलब है और वोट से मतलब है वो लोग ही इस प्रकार की विवादास्पद परिस्थिति का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक और भावनात्मक बहस अब नहीं होगी, तो क्या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट समझ रही है कि लोग इसका राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पत्र दिया था 4 अगस्त 2017 को कि हम सारे पक्षकार इसके लिए सहमत है, चार दीवारी बनाने के लिए हमको एक साथ बैठ करके बातचीत की जाए। इसी आधार पर हमने पीएमओ को भी एक लेटर लिखा था, आज तक पीएमओ ने हमें समय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय नहीं दिया इसलिए होगा क्योंकि उनके पास में समय की कमी होगी, लेकिन पूर्व में सीजेआई ने ये मान्य किया था कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। उसी आधार को हमने सामने रख करके अभी भी फिर से समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि एक बार सारे पक्षकारों को साथ में बैठ करके ये इस विवाद का हल निकाला जाए। कुछ लोगों का मानना है कि कोर्ट के बाहर हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, एक साथ बैठ करके हम हमारा पक्ष तो रख सकते हैं, तो इस दिशा में हमारी पहल है और आने वाले समय में हो सकता है फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में अयोध्या में एक बड़ी बैठक होगी, उसमें हम चाहते हैं सारे धर्म गुरु महंत संत मौलवी मौलाना इमाम जो भी पदाधिकारी है, इस्लाम को जानने वाले हिंदुत्व को जानने वाले सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाए। जो राजनीतिक दल है राम मंदिर के पक्ष में
वो भी उस मंच पर आ जाए। हम तो खुला आह्वान करते हैं सबको कि आप राम मंदिर के पक्ष में हैं तो सभी लोग आ जाए। हम लोग आपको खुले दिल से आमंत्रित करते हैं, आइए और बैठ करके जो भी विचार होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मंदिर बनने में सारी अड़चनें जो है वो राजनीतिक है, राजनीति आज तक यही होती रही कि सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ना, वोट कमाना और नोट कमाना, ये अब नहीं चलेगा। लोग सारे समझ गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। अब इसके बाद ये सारा नहीं हो, ये देश की भलाई के लिए होगा। राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण हमारा लक्ष्य है और उसी में 1949 से लेकर के हम लोग लगे हुए हैं, 1934 से लगे हुए हैं, और इसको हम सफल करके दिखाएंगे। और मंदिर निर्माण के लिए जो भी प्रयास हो वो सारे करने के लिए हिंदू महासंघ सशक्त है। हम चाहेंगे सारे दल और सारे दल के मुखिया उस पक्ष में हमारे साथ में खड़े रह जाए और हम आह्वान करेंगे, आइए अयोध्या में बैठ करके सारे अपने विचार खुल करके सामने रखें। मंदिर के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो भी हो बातें हो सामने हो बैठ करके करेंगे, उसमें से हल निकाला जाएगा। क्योंकि राम वहीं जन्मे थे, इसके प्रमाण तो सारे साक्ष्य है, वहाँ पर मंदिर था ये भी साक्ष्य है, बाबर ने हुक्मनामा भेजा था निर्मोही अखाड़ा के मन श्यामानंद जी को, ये भी प्रमाण साक्ष्य है। तो इसमें कोई दो राय नहीं बनती। अब इस विषय को समाप्त करना है, देश की सांप्रदायिक संप्रभुता के लिए आवश्यक है और हम चाहेंगे सारे लोग मिलकर के इस विषय को शांतिपूर्वक हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है और सुप्रीम कोर्ट का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भूमि विवाद को ही टाइटल बनाया है। स्वागत करते हैं हम इसका, सारे लोग आकर के भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए पहल करें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। धन्यवाद। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 14 मार्च तक टाल दी है। दोनों पक्षों ने अतिरिक्त दस्तावेज और हाई कोर्ट में साक्ष्य के रूप में रखे गए दस्तावेजों के अनुवाद के लिए और समय की मांग की है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई किसी भी अन्य जमीन विवाद की ही तरह करेंगे।